क्या आपने कभी अपने हाथ पे, अपने पाँव पे या अपनी कलाई पे एक पेनलेस स्वेलिंग महसूस की है? इट कुड बी अ गैंग्लियन सिस्ट। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि गैंग्लियन सिस्ट क्या होती है, क्यों होती है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। गैंग्लियन सिस्ट इज एक्चुअली अ फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि एक जेली लाइक मटीरियल जो होता है वो भरा होता है एक सैक के अंदर, जो कि बनता है आपके टेंडन्स पे और ज्वाइंट्स पे, और ये ज्यादातर कॉमन होता है आपके हाथ पे, आपकी कलाई पे और आपके पाँव पे। अब ये इस टॉपिक पे बात करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती। वो या तो इस कंडीशन को मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देते हैं या फिर वो बाज़ अवकात परेशान हो जाते हैं कि उनको कोई कैंसर तो नहीं हो रहा। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो रिपेटिटिव मूवमेंट्स, जैसे कि हम कलाई की बार बार हम हरकत कर रहे होते हैं, इस वजह से बाज़ अवकात जॉइंट की इरीटेशन हो जाती है, टेंडन्स की इरीटेशन हो जाती है, या फिर किसी इंजरी की वजह से, यानी कि आपको कोई चोट लगी है वो किसी भी वजह से, तो बाज़ अवकात गैंग्लियन सिस्ट बन जाती है। और ये ज़्यादातर कॉमन होता है इन द वुमेन ऑफ एज 20 to 40 ईयर्स ओल्ड। मर्दों में भी बाज़ अवकात ये पाया जाता है, लेकिन वुमेन में ज़्यादा कॉमन है ये। सिम्टम्स में जो मोस्ट कॉमन है वो ऑब्वियसली ये कि आपको एक विजिबल सा लंप या स्किन बम्प आपको महसूस होता है। बहुत अगर छोटा हो तो इसकी वजह से पेन नहीं होती, नॉर्मली ये पेन लेस होता है, लेकिन बाज़ अवकात ऐसा होता है कि इसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि आपकी नर्व्स पड़ी होती हैं, उस पर कंप्रेशन इफेक्ट आता है। जब ये प्रेशर डालती है फ्लूइड फिल्ड सैक, तो आपकी नर्व्स की कंप्रेशन की वजह से आपको टिंगलिंग महसूस होती है आपके हाथ में या पाँव में, या फिर आपको माइल्ड सी डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। लेकिन अगेन साइज ज़्यादा होने की वजह से जब आपकी मूवमेंट्स होती हैं बार बार आपके मसल्स की, तो टेंडन्स की आपकी इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से इसका साइज बाज़ अवकात बढ़ जाता है और ये साथ पेन या डिस्कम्फर्ट भी करवा सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर्स के पास कब जाना चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको पेन हो रही है, इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है, आपको मूवमेंट में मुश्किल पेश आ रही है, या फिर इसका साइज जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो नॉर्मली तो हम इसको क्लिनिकली ही डायग्नोस कर रहे होते हैं, यानी कि मरीज हमारे पास आता है, वो हमें बताता है कि ये नॉर्मली वो जिस जो हमें बताते हैं, आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट्स, वो यही कि उनको एक स्किन लंप होता है। उनको बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट या फिर मूवमेंट डिफ़िकल्टीज नहीं होती, लेकिन अगेन वो परेशान होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है क्या चीज़ है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी है और बहुत डिस्कम्फर्ट करवा रही है तो फिर हम इसको सर्जिकली रिमूव करते हैं। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, बहुत छोटी होती है तो ये खुद से डिसअपियर भी हो जाती है, तो बाज़ अवकात हम वेट एंड वॉच कर लेते हैं, अगर तो साइज़ बढ़े तो उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, या फिर बाज़ अवकात हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपली इसको इंजेक्शन से जो इसका फ्लूइड होता है सारा वो उसको एस्पिरेट कर लेते हैं और जो सिस्ट होती है वो डिसअपियर हो जाती है। अगर हम इसकी सर्जरी की बात करें तो उसमें भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, आपको मुकम्मल बेहोशी में नहीं किया जाता, जगह को सुन किया जाता है और जहाँ पर आपकी स्वेलिंग हो उसके ऊपर एक छोटा सा चीरा लगा के, तो जो भी ये फ्लूइड होता है या सिस्ट होती है उसका अराउंड विद इट्स कैप्सूल, क्योंकि एक सैक बना हुआ है ना, उसके अंदर सारा फ्लूइड है, तो उस सैक को ही सारे को सारी को निकाल लिया जाता है। क्योंकि बाज़ अवकात ऐसा होता है कि अगर हम उस सैक को पीछे छोड़ दें तो उसमें फिर से फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब हम इसकी सर्जिकली हम इसको रिमूव करते हैं तो हम इस फ्लूइड को निकालने के साथ साथ पूरी सैक जो होती है उसको ही निकाल लिया जाता है, स्टिचेस लगा दिए जाते हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि अगर हैंड्स पे हो, विजिबल एरियाज पे हो, तो हम ऐसे सूचर्स लगाते हैं जिसके निशान नहीं होते, तो विद इन अ वीक आपका जो वूंड होता है वो हील हो जाता है और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आ सकते हैं। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक हैंड रेस्ट भी होता है, जिसमें ब्रेसेस एडवाइस किए जाते हैं या फिर स्प्लिंट लगा दिया जाता है, क्योंकि अगर इरीटेशन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से बना है तो बाज़ अवकात ऐसा होता है कि रेस्ट करने से भी ये ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो गैंग्लियन सिस्ट के बारे में फेमस हैं। उनमें एक ये कि इसको हमेशा सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है, तो आई गेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसको हर बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हिटिंग अ गैंग्लियन सिस्ट विद अ बुक विल ट्रीट इट, इवन दो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड नॉट सेफ, लेकिन कुछ एरियाज में अभी भी इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब अगर इसमें देखें कि इससे इलाज इसका कैसे होता है, जब हम बाहर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक छोटा सा फ्लूइड फिल्ड सैक पड़ा है उसको हम बाहर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो रप्चर हो जाएगी
और उसमें फ्लूइड होता है वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में डिजोल्व हो जाएगा, फॉर द टाइम बीइंग सिस्ट भी डिसअपियर हो जाएगी, लेकिन हमने इसकी रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया, हमने सिर्फ रप्चर किया है। तो सैक उधर पड़ा होता है, उसमें दोबारा से फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो ऑब्वियसली जब बाहर से आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें आपकी ब्लड वेसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, उनको इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रूजिंग या फिर स्वेलिंग बहुत कॉमन होती है। उसके अलावा ऑब्वियसली आपके हैंड की बोन्स बहुत फ्रेजाइल सी होती हैं, उनका फ्रैक्चर हो सकता है, आपको मूवमेंट में फर्दर डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती हैं। और ऑब्वियसली जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, फ्लूइड स्प्रेड होता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑब्वियसली रिकरेंस के चांसेस तो होते ही होते हैं। यानी ये एक टेम्पररी रिलीफ है, इसका कंप्लीट रिमूवल नहीं होता। तो क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने पोक मेथड ट्राई किया है? और अगर किया है तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। लियोन सिस्ट आर कॉमन, पर दे आर इजीली ट्रीटेबल और हार्मलेस होती हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड टिप्स।